बड़ी अपडेट बागपत से। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नाम वापसी पर हंगामे की खबर मिल रही है, जहां जिला कलेक्ट्रेट पर आरएलडी और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। आरएलडी सपा उम्मीदवार ममता किशोर के नामांकन की वापसी का मुद्दा बना रहे हैं और ममता के नाम पर फर्जी तरीके से पर्चा वापसी का आरोप लगा था। अब समर्थक कार्यकर्ताओं ने नाम वापसी पर कलेक्ट्रेट पर हंगामा बोल दिया है। बागपत से हंगामे की खबर मिल रही है। यह तस्वीरें जहां कलेक्ट्रेट पर ये हंगामे वाली तस्वीरें, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नाम वापसी पर यह हंगामा आप देख रहे हैं। बागपत से जिला कलेक्ट्रेट पर आरएलडी और सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा है। आरएलडी सपा उम्मीदवार ममता किशोर के नामांकन वापसी का यह पूरा मुद्दा है। ममता के नाम पर फर्जी तरीके से पर्चा वापसी का आरोप लगा है। समर्थक कार्यकर्ताओं ने नाम वापसी को लेकर कलेक्ट्रेट पर अब हंगामा बोल दिया। आज नाम वापसी का आखिरी दिन 3 बजे तक का वक्त तय था, लेकिन इसके बाद बागपत की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां नाम वापसी को लेकर हंगामा आरएलडी सपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं तमाम सपा आरएलडी कार्यकर्ता हैं, और पर्चा वापसी को लेकर ये पूरी तनातनी की स्थिति है। 3 बजे तक का वक्त था जब नाम वापसी हो सकते थे, और ऐसे में नाम वापसी के साथ ये हंगामे की तस्वीरें। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते ये सपा आरएलडी कार्यकर्ता हैं और नाम वापसी के साथ ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मसला है नाम वापसी को लेकर, जहां फर्जी तरीके से नाम वापस लिया गया। राजीव पंडित सहयोगी फोन लाइन पर है, जानकारी लेते हैं। जी राजीव, बताइए, ये हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं, अभी हालात क्या है, ताजा मामला कुछ शांत हुआ? अभी इस बात को लेकर हंगामा है। रालोद के जो पूर्व विधायक, सभी पूर्व विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी और दूसरे नेता हैं, वो तमाम लोग कलेक्ट्रेट पर डटे हुए हैं और जांच कर पूरे मामले की न्याय की मांग कर रही हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा और धक्का मुक्की होने की भी तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ पर यह भी जानकारी मिल रही है कि आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अभी पहुंचे नहीं है। कार्यकर्ताओं में बेहद ही रोष व्याप्त है कि किस तरह जो है उसका, जब ममता थी नहीं तो किस महिला ने नामांकन का पर्चा वापस ले लिया है। जी बिल्कुल, और इस पर प्रशासन की ओर से क्या कहना है जो ये आरोप लग रहे हैं? अभी पूरे हंगामे की बात बता दो, प्रशासन इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है। आरएलडी कार्यकर्ता चाहते हैं नेता कि प्रशासन आए, उनके सवालों का जवाब दे, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। बहरहाल मौके पर कलेक्ट्रेट पर बेहद तनाव की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर आरएलडी नेता भी आ जाते हैं तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं, अगर ये हंगामा बढ़ता है तो उसके आगे के प्लानिंग क्या है? अभी कार्यकर्ताओं की भीड़ को, जिस तरह भीड़ बढ़ रही है, जिस तरह तनाव उत्पन्न है, उसे देखते हुए आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। पुलिस लाइन से जो रिजर्व पुलिस बल होता है उसे भी बुलाया गया है। कुछ पीएसए भी पहुंचे, यानी कि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था को किए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह की ज्यादा हंगामे की स्थिति ना हो और कोई रोड जाम या कानून व्यवस्था इसलिए ज्यादा ना बिगड़ पाए कि हालात जो है बिगड़ जाए और स्थिति कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बागपत की तस्वीरें हैं जहां पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, चौकन्ना है हालात पर काबू पाने के लिए। और प्रदेश के कई जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल ना कर पाने और प्रशासन के दबाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पीआईएल दाखिल की गई है। एडवोकेट अचिंत तिवारी और सतीश श्रीवास्तव ने यह पीआईएल दायर की है और 1 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। इससे पहले भी वकील सतीश श्रीवास्तव ने आयोग में खाली पड़े पदों को लेकर एक याचिका दायर की थी, लेकिन अब जिला पंचायत चुनाव को लेकर यह याचिका दायर की गई है।
तो अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल ना कर पाने पर यह पूरा मामला याचिका के तौर पर दायर हो चुका है। हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुभव, ये बताइए कि अब ये याचिका दायर की जा रही है नामांकन दाखिल ना कर पाने को लेकर, किस तरीके की चीजें बनती बिगड़ती दिखाई दे रही हैं? 1 तारीख को तो सुनवाई ही होनी है। देखिए, जिस तरीके से 26 तारीख को नामांकन हुआ, कई ऐसे जिले थे जहां पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो अपना पर्चा नहीं दाखिल कर पाए, और उसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता शासन पर अपने इस्तेमाल का दुरुपयोग का आरोप लगा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि ये अफसर भी दबाव में है और जानबूझकर सपा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। 2 बार उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा, वहां पर शिकायत दर्ज कराई, बाकायदा लिख कर दिया किन किन जिलों में क्या क्या दिक्कतें की गई, तकरीबन 7 पेज का शिकायती पत्र वहां पर दिया है। और अब एक याचिका जो है, एक PIL जो है वो दायर की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में, और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो 11 से लेकर 14 ऐसे जिले थे, 11 जिलों में तो पर्चा भरने ही दिया गया, और 3 ऐसे जिले थे जहां पर पर्चा खारिज कराया गया जानबूझकर ना उनके पर्चे में गड़बड़ी बताई गई, इसी को लेकर ये PIL दायर की है। एक अचिंत है, एडवोकेट है, और एक सतीश श्रीवास्तव है, तो इन 2 लोगों ने ये PIL दायर की है। और कल इसका, चूंकि इस समय कोरोना की वजह से इस तरह से रेगुलर हियरिंग नहीं हो रही है, वो वहाँ पर मैनुअल प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारा सुनवाई हो रही है, तो नंबर कल अलॉट होगा, और ये माना जा रहा है कि सुनवाई परसों इस पूरे मामले पर हो सकती है। लेकिन साफ तौर पर जो वकील हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि इस तरह से कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा है, जो भी लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया, लोकतंत्र की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, और अगर उसमें कोई व्यक्ति कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहा है, उसको आप नामांकन पत्र न दाखिल करने दें तो ये कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का भी हनन है। और इन्हीं सारी चीज़ों का जिक्र उस PIL में किया गया है, बाकायदा जिलों के नाम लिखे हुए हैं, और ये कहा गया है कि किन किन जिलों में अधिकारियों ने डराया है, अधिकारियों ने वहाँ पर नामांकन नहीं होने दिया है, इन सारी चीज़ों के साथ उस PIL को दायर किया गया है, और 1 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अब देखिए, ये कोर्ट में अगर मामला टेकअप होता, PIL को अगर कोर्ट कहता कि हाँ ये सुनवाई योग्य है, इस पर हम सुनवाई करेंगे, और अगर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आए, हालांकि पंचायती राज के मुताबिक जो भी ये चुनाव होता है वो उनका जो हम कहें तो जो सबसेक्शन का एरिया है वो राज्य निर्वाचन आयोग तक ही होता है, इन सब चीज़ों का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन अगर कोई कोर्ट में चला गया है मामला, तो उस पर अगर हाईकोर्ट कोई फैसला लेगा तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल अनुभव, यहाँ देखना होगा कि अब सुनवाई के बाद क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। PIL तो दाखिल कर दी गई है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस महा कवरेज पर हम लगातार आपको दिखाएंगे कि कहां कहां हंगामे की तस्वीरें अभी बागपत से दिखाई, और भी गतिविधियां लगातार जारी हैं। और आपको बताएं कि बागपत से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नाम वापसी पर हंगामे की खबर मिल रही है। आज आखिरी दिन था, 3 बजे तक नाम वापसी लिए जा सकते थे, और इसी क्रम में जिला कलेक्ट्रेट पर अब बागपत से जो तस्वीरें आई हैं वो हंगामेदार है। RLD और सपा के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि RLD सपा उम्मीदवार ममता किशोर के नामांकन वापसी का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। थोड़ी ही देर में RLD प्रमुख जयंत चौधरी भी पहुंचेंगे जिला कलेक्ट्रेट। ममता के नाम पर फर्जी तरीके से पर्चा वापस लेने का आरोप लग रहा है, और ये तस्वीरें देखिए। बड़ी खबर मिल रही है यूपी में, 4 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। इटावा से सपा के अंशुल यादव के जीत का सर्टिफिकेट उन्हें दिया जा चुका है। चित्रकूट से बीजेपी के अशोक जाटव को जीत का सर्टिफिकेट मिला है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के अमित चौधरी जीत का सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। आगरा से बीजेपी के अंजू भदौरिया को भी जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो जहां निर्विरोध रूप से जीत दर्ज कर चुके हैं प्रत्याशी, उनको सर्टिफिकेट भी 3 बजे के बाद आज बांटा गया है। इसी क्रम में ये 4 जगहों के नाम सामने आए। तो आगरा से भी जीत दर्ज की गई है, सर्टिफिकेट मिल चुका है। हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आगरा में किस तरीके की स्थिति, जीत के जश्न की तस्वीरें आ रही होंगी नितिन अब तो। देखिए, बिल्कुल जश्न मनाया जा रहा है। देखिए,
आगरा की बात की जाए तो आगरा में 51 जिला पंचायत सदस्य थे, बीएसपी सबसे ज़्यादा नंबर की बात की जाए तो 20 बीएसपी ने दावा किया कि 20 जिला पंचायत सदस्य उनके चुने गए हैं और 18 भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन नंबर ज़्यादा बीएसपी के होने के बावजूद बीजेपी की रणनीति सफल रही है और बीजेपी ने निर्विरोध निर्वाचित करा लिया है अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष को। पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह की पुत्रवधू हैं मंजू, जो वार्ड नंबर 36 शमशाबाद से वो विजयी हुई हैं। तो एक तरह से कहा जाए बीएसपी ने वॉकओवर दे दिया बीजेपी को और इसमें वो पूरी तरह से वो जीत चुकी हैं। तो कुल मिला के कहा जाए जो आगरा का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प रहा है। इस पूरे क्रम में आगरा मंजू चौहान, मंजू भदौरिया के अलावा बीजेपी से दो और नाम सामने आ रहे थे, पूजा भदौरिया, बबीता चौहान, लेकिन उनको कहीं आगे जाके उनको कोई और बड़ा जिम्मेदारी देने की बात कही गई है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। तो कुल मिला के जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। 3 तारीख को वोटिंग नहीं होगी, आज नाम वापसी का दिन था, 3 बजे तक कोई पहले ही दिन जिस दिन नामांकन होना था, लेकिन जिला पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि चुनाव से पहले नामांकन वाले दिन हमने तस्वीरें देखी, आधी तस्वीर वहां स्पष्ट हो जाती है और आज नाम वापसी के साथ ही ये पूरा मुकाबला दिलचस्प होकर खत्म हो जाता है क्योंकि सर्टिफिकेट हाथ में है। ये बिसात कैसे बिछाई गई, किस तरीके का घटनाक्रम आपने खुद देखा आगरा में? देखिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह की जो पुत्र वधु हैं जो मंजू भदौरिया, पहले दिन से ही राजेंद्र सिंह ने इस चीज़ को लेकर पत्ते खोल दिए थे। लगातार वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के जितने भी जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके संपर्क में थे और लगातार जिस तरीके दूसरे जो दावेदार थे बीजेपी में, जिस तरह से श्याम भदौरिया पूर्व जिला पंचायत जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी पत्नी ने भी जीत दर्ज की है, इसी तरह से आगरा की राजनीति में जो एक बड़ा नाम रखने वाली बबीता जो चौहान हैं वो भी लगातार उनके और उनके पति लगातार दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन नंबर्स के मामले में राजेंद्र सिंह ने जो चौसर पर जो बिशात कहा जाए बैठाई, जो पूरे शतरंज का जो खेल चला लगातार, तो वो दूसरे दलों से खासकर बीएसपी के जो तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको तोड़ने में वो बिल्कुल सफल रहे। और ऐसे में बीजेपी ने इस बात को पूरी तरह से ये स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि जो प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं तीन प्रमुख तौर पे, अगर जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो अपनी बात अगर रख देता आला कमान तक, तो स्वतंत्र सिंह के पास ये बात जब पहुंची कि जो राजेंद्र सिंह हैं वो पूरी तरह से अपनी पुत्र वधू को जिता पाने में सक्षम है तो उनके लिए हरी झंडी दे दी गई। श्याम भदौरिया अपनी पत्नी के लिए लगातार लगे हुए थे बबीता, अब उनको कहा गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई दूसरी जब जिम्मेदारी दी सकती है यानी टिकट उनको विधानसभा चुनाव की दी जा सकती है, एक इस तरह से उनको साधा गया। देखिए दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं रामगोपाल बघेल, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वो बीजेपी के लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई चैलेंज ही नहीं खड़ा कर पाए। इसलिए जो 11 लोगों का जो आपने प्रेस नोट देखा होगा जिसमें समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 11 जिलाध्यक्षों को हठाया है, उसमें आगरा के रामगोपाल बघेल को भी हठाया है और रामगोपाल बघेल ने कहीं ना कहीं आलाकमान को इस धोखे में रखा। कोई पूरी जो रणनीति क्या थी क्या नहीं थी यानी सिख तरह से उन्होंने जो सरेंडर कर दिया इसको लेकर नाराजगी रही। तो कुल मिला के कहा जाए अब इस पूरे मामले में एक तरफा रास्ता क्लियर हो गया है और जितने कहा जा रहा है 75 में से जो 21 अभी तक जो निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं उसमें से आगरा का भी नाम है। तो यहाँ जीत के साथ जो नाराज हैं उनको आगामी वक्त के लिए आश्वासन भी दे दिया गया है ताकि पूरी सिचुएशन जो है वो मैनेज हो सके, आप बने रहिए। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है संत कबीर नगर से, बीएसपी नेता शाकिब अंसारी की पत्नी ने पर्चा वापस ले लिया है, सना परवीन ने नाम वापस ले लिया है, अब कृष्णा और बलराम के बीच सीधी टक्कर। सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि 3 सदस्य हैं बीजेपी के पाले में, वहीं 27 सदस्य सपा के समर्थन में हैं। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है जहां संत कबीर नगर का जो समीकरण है वो इस नाम वापसी के साथ कुछ और ही ओर इशारा कर रहा है। ऑनलाइन पर पंकज गुप्ता सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जी पंकज बताइए किस तरीके का समीकरण था और अब नाम वापसी के साथ क्या कुछ चीजें बदल गई? जी आपको बता दें कि संत कबीर नगर में सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का केवल 3 ही प्रत्याशी यहाँ पे जी है जीत पाए हैं, लेकिन यहाँ पे समाजवादी के जो प्रत्याशी है उनके वो 9 यहाँ पे उनकी संख्या थी। माना जाए यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी की संख्या बल ज्यादा है क्योंकि उनके जितने भी जिला पंचायत सदस्य सब उनके सीधे उनके उसमें है, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि समाजवादी पार्टी का यहाँ जो बलराम यादव है
वो 27 अगर देखा जाए तो 27 सदस्य उनके साथ है और भारतीय जनता की पार्टी के साथ केवल 3 सदस्य है। अभी खरीद फरोख चल रहा है, अब देखने वाली बात होगी कि रात में सत्ता कितनी जो है, सत्ता यहाँ के जो डीएम है, यहाँ के एसपी जो है, कितनी जो है भारतीय जनता पार्टी की मदद कर पाते हैं। लेकिन अभी तक जो यहाँ का जो साफ है, साफ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कभी नगर में पूरी तरह से कमजोर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और इस नाम वापसी का क्या, इसके पीछे की क्या रणनीति रही थी? जी सना प्रवीण जो यहाँ पे मोहम्मद साकिब है, जो उनके पति हैं, वो बसपा के नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य के, जो आपको बता दें कि बलराम यादव के पक्ष में जो है, क्योंकि जो नाम वापसी की बात आई थी तो वो बलराम यादव खुद उनको लेकर आए और यहाँ से उनका पर्चा वापस कराया और फिर उनके साथ उन्हीं के काफिले, गाड़ी के काफिले में वो वापस चले गए। तो माना जाता, ये भी माना जाता है कि जो, क्योंकि सना प्रवीण से जब बात हमने किया तो उन्होंने कहा कि मैं ये स्पष्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने अपना कोई दबाव नहीं है, मैं अपना पर्चा वापस करती हूँ। जी बिल्कुल पंकज, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नाम वापसी दिन वाले दिन भी बहुत सारी चीजें उठा पटक हमारे सामने आ रही है, लगातार ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। भदोही से अब खबर मिल रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर बड़ी अपडेट ये है कि बीजेपी से बगावत करने वाले विधायक के भतीजे ने नाम वापस ले लिया है। चंद्रभूषण त्रिपाठी ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। अब अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी और निर्दलीय के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है, बीजेपी से बगावत यानी बागी विधायक के भतीजे ने अपना नाम वापस ले लिया है। भदोही से यह बड़ी अपडेट मिल रही है, चंद्रभूषण त्रिपाठी ने अपना पर्चा वापस ले लिया है, यानी कुल मिला के अब इस सीट की गणित निर्दलीय और बीजेपी के सीधे मुकाबले के तौर पर सामने है। शामली से भी बड़ी खबर है, जहां जिला पंचायत चुनाव का घमासान किस तरीके से रंग बदल रहा है। देखिए, प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया, अब भाजपा की ओर से मधु गुर्जर प्रत्याशी है, सपा की ओर से अंजलि उम्मीदवार है। बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखी जाएगी। विकोड़ी ये मुकाबला होगा, जहां बीजेपी और सपा आमने सामने। शामली से यह अपडेट है, किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया है। आज 3 बजे तक ये संशय बना था कि कहां कहां नाम वापसी होंगे, कहां कहां की तस्वीरें बदलेंगी, और उसी पर हम लगातार बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कन्नौज की बात कर लें, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि अध्यक्ष पद पर सपा बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी। किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, ये सूत्रों से पता चलता है, तो यहां कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और आज 3 बजे तक नाम वापसी भी नहीं है, इसका मतलब यहां टक्कर होगी सीधी। जिला पंचायत अध्यक्ष नाम वापसी की अंतिम तारीख और समय बीत चुका है, इसके बाद लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कन्नौज से अपडेट है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर बड़ी ये कि अध्यक्ष पद पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। किसी भी पार्टी के पास पूरा बहुमत नहीं है, ये पता चल रहा है, ऐसे में आमने सामने की टक्कर होगी।